हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज व्लॉग है स्पेशल दावत व्लॉग। घर में दावत थी तो सोचा कुछ ऐसी रेसिपीज़ बनाऊं जो मैंने आज तक नहीं बनाई हैं और बहुत सिंपल हो, बहुत इजी हो, उसमें ज़्यादा झंझट ना हो बनाने में और झटपट बन जाए और बहुत टेस्टी हो। तो ऐसी ही मैंने आज 6 न्यू रेसिपीज़ ट्राई की हैं और बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनी थी। तो आप भी इन रेसिपीज़ को ज़रूर बनाएं और अपनी दावत में 4 चांद लगाएं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि ये रेसिपीज़ इनके क्या नाम हैं और ये क्या क्या रेसिपीज़ हैं और कैसे बनती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बनाएंगे मीठा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो अंगूरी रसमलाई हम बनाएंगे। अंगूरी रसमलाई तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसे बॉईल करने रख दिया है। ये 2 नींबू का जूस है और इसमें मैंने ही उसके हिसाब से बराबर ही पानी ऐड कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर दूध बॉईल हो गया है। गैस को हम सिम कर देंगे अभी और थोड़ा थोड़ा सा जो हमने नींबू का और पानी का मिक्सचर बनाया था उसको इसमें डालते रहेंगे। हमें इसका पनीर बनाना है और ये देखिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे ताकि जो पनीर है बिल्कुल पानी से अलग हो जाए। 2 नींबू का जूस इसमें लगा था और अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दूध देखिए एकदम अच्छे से फट चुका है और देखिए पनीर बिल्कुल अलग हो चुका है यहाँ पर। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल पनीर और पानी अलग अलग हो चुका है। अब इसको हम छानेंगे। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, उस पर स्ट्रेनर रखा है और एक कॉटन या मलमल का सूती कपड़ा आप इस तरीके से रखेंगे और उसका सारा पानी हम निकाल लेंगे। पनीर को बिल्कुल अलग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से कपड़ा रखेंगे और ये यहाँ पर पनीर अलग हो जाएगा। और उससे पहले फ्रेंड्स यहाँ हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि जो हमने नींबू डाला है उसका जो खटास है वो इसमें से निकल जाए। और ठंडा पानी हम इसमें डालेंगे इसके ऊपर तो इसकी नींबू की खटास जो निकल जाएगी। आप बिल्कुल इस तरीके से अलग कर लेंगे और निचोड़ लेंगे सारा एक्सेस वाटर जो है इसमें से, पनीर में से हम बिल्कुल अलग कर लेंगे, बिल्कुल ड्राई कर लेंगे इसको। और थोड़ी देर अगर आप चाहें तो इसे लटका दें कहीं तो सारा पानी जो है निकल जाएगा। इतने पनीर ड्राई हो रहा है। यहाँ पर 1 लीटर दूध और लिया है, इसकी हम रबड़ी बनाएंगे और इसे यहाँ पर मैंने बॉईल करने रखा है, इसे हमें थोड़ा सा कम कर देना है। और ये देखिए यहाँ पर पनीर खूब अच्छे से ड्राई हो गया है, इसे हम अच्छे से और मैश करेंगे। अब इसको हम गूंदेंगे और इतना गूंदेंगे 10 से 15 मिनट ताकि इसकी जो बॉल्स हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगी, क्रैक नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हथेली से दबाते हुए हम इसको अच्छे से गूंदेंगे। 10 मिनट लगेंगे इसमें और ये देखिए अच्छे से यहाँ गूंद चुका है, बहुत सॉफ्ट हो चुका है। अब हम छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाएंगे। फ्रेंड्स अगर बॉल्स में आपके क्रैक आ रहा है तो इसका मतलब अभी आपको और गूंदने की ज़रूरत है। और ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी क्रैक नहीं है तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। और इस तरीके से हम छोटी छोटी बॉल्स इसकी बनाकर रख लेंगे जैसा आप साइज़ चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ पर बॉल्स मैंने सारी बना ली हैं और ये देखिए दूध यहाँ पर कम हो गया है और गैस सिम कर दी है। यहाँ पर 3 से 4 हरी इलायची मैंने कूट के डाल दी हैं और अब हम चीनी भी डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच और इसे मिक्स करेंगे, थोड़ी देर पकाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स जो बॉल्स हमने पनीर की बनाई थी ये हम दूध में पकाएंगे। जनरली जो हम रसगुल्ले बनते हैं मार्केट में वो पानी में पकाते हैं उसको, हम यहाँ पर दूध में पकाएंगे इनको। सारी बॉल्स डाल देंगे और गैस को मीडियम रख के सिर्फ 10 मिनट पकाना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं पकाएंगे नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट होकर टूट सकते हैं। और 10 मिनट हमें इसे दूध में पकाना है बॉल्स को। और देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं, आप देख रहे हैं बॉल्स ना थोड़ी सी फूली हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं साइज़ में, इन्होंने दूध को जो एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। अब फ्रेंड्स सर्विंग के लिए तो ये है कि हम जो बॉल्स हैं, हम जो पनीर बॉल्स हैं ये देखिए कितनी अच्छी सॉफ्ट स्पॉन्जी है, इन्हें निकाल के अलग रख लेंगे और रबड़ी अलग कर लेंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे जब हमारा सर्विंग टाइम होगा, जब हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी हमने यहाँ पर दोनों को अलग कर लिया है और फ्रिज में हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हमारी अंगूरी रसमलाई रेडी हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम बनाते हैं, सेकेंड हमारी डिश है चिकन लबाबदार।
उसके लिए यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है और 1/2 kg, और इसमें लाल मिर्च डाली है 1 चम्मच, दही डाली है 3 से 4 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। ये बोनलेस चिकन है फ्रेंड्स, चिकन लबाबदार जो है हम बोनलेस चिकन का बनाएंगे। ये देखिए मिक्स हो गया, आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट होने रख देंगे। सिंपल मैरिनेशन के इंग्रेडिएंट्स थे। और अब हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है नॉनस्टिक, और 2 बड़े चम्मच हम लेंगे इसमें ऑयल, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे हमने चॉप कर लिया है बारीक, और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ गोल्डन ब्राउन हो गई है और अब हम डाल देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था, आधा घंटा हो गया है, इसे हम डाल देंगे। थोड़ी देर फ्राई करेंगे प्याज के साथ, दही का मिक्सचर जो भी हमने मैरिनेशन में रखा था यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे। गैस को हमने मीडियम कर लिया है और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम डालेंगे और उसे भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। 1-2 मिनट हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनेंगे। और अब कुछ मसाले डालेंगे फ्रेंड्स, यह है धनिया पाउडर 2 चम्मच, यहाँ पर हम लेंगे धनिया पाउडर, और यहाँ पर फ्रेंड्स 1 चम्मच हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच, जैसे आप तीखा हमें ज़्यादा नहीं रखना, मीडियम रखना है। ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम रखेंगे तो ये चिकन भुनेगा, हम मसाले अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ टाइम हो गया है मसाले भुनते हुए, और अब फ्रेंड्स में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच टमाटो प्यूरी। 2 बड़े चम्मच हमने यहाँ पर टमाटो प्यूरी ली है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों के साथ 1-2 मिनट भूनेंगे, इससे कलर भी अच्छा आएगा टमाटो प्यूरी से। और यहाँ अच्छे से जब टमाटो प्यूरी हम मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स, तो अब इसमें हम डालेंगे ये है 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर फ्रेंड्स 10 मिनट के लिए हम सिम पर रखेंगे ताकि चिकन टेंडर हो जाए और हमारी जो ग्रेवी है बनकर तैयार हो जाए। फ्रेंड्स इसमें लगेगा थोड़ा तड़का, इंटरेस्टिंग तड़का लगेगा इसमें चिकन लबाबदार में। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बड़ा चम्मच बटर और उसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाली है, और यहाँ पर ली है 1 चम्मच क्रीम, 1/2 चम्मच क्रीम ली है, और ये फ्रेंड्स पनीर है, इसको 1 बड़ा चम्मच ही पनीर ग्रेट करके हम डालेंगे इस तरीके से। ये इसकी अलग टेम्परिंग हम तैयार कर रहे हैं चिकन लबाबदार की, और इसे गैस सिम पर अच्छे से मिक्स करेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को, बटर, कसूरी मेथी, क्रीम और ये पनीर है, ये सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्टेड हो जाएगी, ये एक मिक्सचर तैयार होगा। और ये देखिए यहाँ पर चिकन लबाबदार बनके तैयार हो गया था 10 मिनट बाद, और अब इसको हमने सर्विंग डिश में सर्व करा है, और उसके बाद इसकी जो टेम्परिंग है, जो तड़का है, वो ऊपर से हम इसको गार्निश करेंगे। बहुत ही टेस्टी और एकदम नया टेस्ट आपको इस रेसिपी का मिलेगा, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर चिकन लबाबदार बनकर बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट रेसिपी फ्रेंड्स हम बनाएंगे चिकन कुरमुरे, तो उसके लिए यहाँ पर बोनलेस चिकन है, छोटे छोटे पीसेस हैं 1-1, 2-2 इंच के। यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे चावल का आटा, ये हमने चावल का आटा लिया था, और ये नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें, एकदम क्रिस्पी बनेंगे ये, और लाल मिर्च पाउडर, ये है काली मिर्च का पाउडर 1/2 चम्मच लेंगे, ये 1/2 kg चिकन है बोनलेस चिकन, ये है 1/2 चम्मच हम लेंगे बेकिंग पाउडर, और इसमें फ्रेंड्स हम डालेंगे 2 अंडे क्रिस्पीनेस के लिए हम, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया हमने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं अच्छे से चिकन में कोट हो जाएं। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच हमने इसमें डाला है, वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स बस तेल गरम करेंगे और इन्हें यहाँ पर इस तरीके से डीप फ्राई करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर डीप फ्राई हो गए, ऐसा कलर आ जाए गोल्डन जब तक हम डीप फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बने थे फ्रेंड्स, सच में यकीन मानिएगा।
और बिल्कुल गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे और ऊपर से चाट मसाला खूब सारा स्प्रिंकल करेंगे और हरे धनिए और दही की चटनी के साथ इन्हें ज़रूर सर्व कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और एकदम करारे कुरमुरे, चिकन कुरमुरे रेडी बनकर तैयार हैं। नेक्स्ट रेसिपी फ्रेंड्स मैंने बनाई थी, यहाँ पर है मटन रोगन जोश। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल गरम किया, उसमें हम 2 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग और 3 से 4 यहाँ पर हरी इलायची और फ्रेंड्स 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 तेज पत्ता, ये हमने साबुत मसाले डाले हैं। इसमें थोड़ा गरम करेंगे और उसके बाद डायरेक्ट हम इसमें मटन डाल देंगे। ये हमने कुछ साबुत मसाले, इसमें हम थोड़ा सा मटन को भूनेंगे। ये 1 किलो मटन है फ्रेंड्स, उसकी रेसिपी है ये, और अच्छे से मसालों के साथ मटन को हम भूनेंगे यहाँ पर। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 1 चम्मच भर के हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे भी 1 से 2 मिनट हम मटन के साथ भूनेंगे। गैस को हमने यहाँ पर मीडियम रखा है और जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही टेस्टी मटन रोगन जोश बनकर तैयार होगा। 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पर फ्रेंड्स कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब इन मसालों को अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट हम इन मसालों को भी मटन के साथ भून लेंगे। जितना अच्छा ये भुनेगा फ्रेंड्स और उतना ही हम ये टेस्टी बनेगा। और फिर दही डालेंगे हम इसमें, 2 बड़े चम्मच हमने यह दही का यूज़ किया है। ये हम कुकर में बना रहे हैं ताकि टाइम कम लगे और झटपट बन जाए, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पर दही के साथ भी हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे दही को, चलाते रहेंगे ताकि फटे नहीं दही। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो गए हैं दही के साथ भुनते हुए। अब फ्रेंड्स हमें इसको यहाँ पर मटन को गलाना है, हम पानी डालेंगे इसमें जितना हमें ग्रेवी चाहिए और देखिए इतना हमें ढकना है पानी से और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसके मटन के गलने तक पकाएंगे ताकि अच्छा टेंडर हो जाए मटन। उसके बाद हम इसकी भुनाई करेंगे बाद में। और ये देखिए यहाँ पर मैंने कुकर खोल लिया है और मटन भी अच्छे से यहाँ पर गल चुका है, ये देखिए। तो अब हम गैस को हम फुल कर देंगे और अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से भुन रहा है, गैस फुल है। और इसमें हम फ्रेंड्स डालेंगे 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। यहाँ पर आप मिक्सी में ग्राइंड कर लें, अगर पाउडर आपके पास पहले से नहीं है तो आप 1 चम्मच सौंफ, 1 से 2 चम्मच सौंफ का पाउडर है इसको। और फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर, ये तो ईज़िली आपको बाज़ार में मिल जाएगा। फिर इसके बाद फ्रेंड्स डालेंगे हम प्याज, ब्राउन प्याज। ये मेरे पास ब्राउन प्याज पहले से थी तो मैंने यहाँ क्रश करके डाल दी है 1 बड़ा चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्टार्टिंग में ही 3 मीडियम साइज़ की प्याज ब्राउन करके अलग निकाल लें और उसे क्रश करके डाल दें। और हमने अब सारे इंग्रेडिएंट्स अपने यहाँ पर मटन रोगन जोश के डाल दिए हैं और अब हम इसे अच्छे से और थोड़ी देर भूनेंगे। ये देखिए यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है और तैयार है मटन रोगन जोश। थोड़ा सा ये ड्राई हो गया, अच्छे से भुन गया, ऑयल सेपरेट हो चुका है और ये देखिए एकदम ड्राई और सेमी ड्राई ग्रेवी बनकर तैयार है मटन रोगन जोश की। और इसे सर्व करने से पहले हरे धनिए से ज़रूर गार्निश करें और टेस्टी और टेम्पटिंग मटन रोगन जोश बनकर तैयार है। हैदराबादी तवा कबाब थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है और यहाँ पर 3 से 4 हमने डाली हैं साबुत लाल मिर्चें, 1/2 चम्मच यहाँ पर हम लेंगे काली मिर्च और 3 से 4 ये लौंग हैं और ये 1/2 चम्मच है साबुत धनिया और ये 1/2 चम्मच ही हमने लिया है मेथी दाना। ये कुछ हम मसाले डाल रहे हैं और 4 से 5 हरी इलायची और 1 हम लेंगे बड़ी इलायची। और ये हमने साबुत मसाले डाले हैं कुछ, इन्हें 1-2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे
इनका एरोमा जब आ जाएगा, तो उसके बाद फ्रेंड्स ये हाफ के जी जो है कीमा है, बारीक कीमा है, और ये हमने डाल दिया है। और फ्रेंड्स यह एक बड़ा चम्मच चने की दाल है, यहाँ 2 से 3 घंटे पहले हमने इसे भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। अब हम इसे भूनेंगे जी। हाँ, हम इसको इस तरीके से ही भून कर बनाएंगे इन कबाब को। ये हमने कुछ मसाले डाले हैं, चने की दाल हमें कम ही रखनी है। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने चने की दाल ली थी, ये 1/2 kg कीमा है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच भर के हम डालेंगे। ये 3 से 4 हरी मिर्चें वो भी हम इसमें इस तरीके से डाल देंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पर खूब हमने फुल गैस पर इसे भून लिया है। बाकी नमक और मिर्च, इसमें आप आमचूर पाउडर ज़रूर डालें। ये चीज़ें आप डालेंगे, टेस्ट आप कर लेंगे किस तरीके से आपको कितना इसमें मिर्च और नमक रखना है, आप इसमें ये डालें। और लास्ट में फ्रेंड्स मैंने इसमें चाट मसाला मिलाया था, 1 चम्मच भर के चाट मसाला ज़रूर मिलाएं, इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। और सिंपल इसे ठंडा कर लेंगे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे, और मिक्सी में इसको पेस्ट बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, और कबाब का जो मिक्सचर होता है इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ पर कीमा जो है बिल्कुल भुन के तैयार है, इसका अब हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कीमा पीस लिया था मिक्सी में, और ये देखिए यहाँ पर तवे पे अब इस तरीके से शैलो फ्राई कर लेंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते हुए। और यहाँ पर देखिए कीमा पेस्ट जो हमने बनाया था, अगर आपके कबाब टूटते हैं फ्रेंड्स तो आप इसमें एक अंडा मिला सकते हैं, तो यूनिफॉर्म सिकेंगे, अच्छे सिकेंगे फिर, नहीं तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए इस तरीके से, और गर्मा गर्म हरे धनिया और दही की चटनी के साथ ज़रूर सर्व कीजिएगा। यहाँ पर तवा कबाब बनकर तैयार हैं। नेक्स्ट रेसिपी है फ्रेंड्स अचारी बिरयानी, मुल्तानी अचारी बिरयानी चिकन बिरयानी है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल लिए हैं, और उसमें प्याज ब्राउन की है, 2 से 3 प्याज ब्राउन की, थोड़ी सी हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे चिकन के पीसेस, अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट तो नॉन वेज रेसिपीज़ में मस्ट है, तो ये 1 चम्मच भर के हम डालेंगे। थोड़ी देर 1 से 2 मिनट इसे भी भूनेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और दही डालेंगे, 2 बड़े चम्मच इसमें भर के दही यूज़ करेंगे हम। और अब दही के साथ चिकन के पीसेस को 1 से 2 मिनट भूनेंगे। और यहाँ पर मैंने डाला है फ्रेंड्स 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। फिर इसमें डालेंगे फ्रेंड्स 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी देर मिक्स करेंगे लाल मिर्च पाउडर को चिकन के साथ। और फ्रेंड्स इसके बाद इसमें हम डालेंगे 5 से 6 अचार का मसाला, पाउडर्ड मसाला, ये बाज़ार में आपको इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे, ये 1 किलो चिकन की रेसिपी है और 1 किलो ही इसमें चावल हैं, तो ये 1 किलो चिकन बिरयानी की आप ये रेसिपी है, उसके लिए ये आप 5 to 6 मसाला जो है अचार का मसाला, और ये आपको मार्केट में मिल जाएगा। और यहाँ पर अब मसाले के साथ चिकन को अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पर देखिए अच्छे से चिकन जो भुन चुका है और 50 to 60% गल चुका है। और यहाँ पर अब चावल ये हैं फ्रेंड्स बासमती राइस, 1 घंटे पहले हमने भिगो दिए थे, और अब हम इसमें चिकन में मिक्स करेंगे चावल को। और ये हम खुले बर्तन में बना रहे हैं, और यहाँ पर पानी एडजस्ट करेंगे, जितना आपने चावल लिया है उसका डबल ही पानी लेंगे। और यहाँ पर देखिए, और इसी टाइम आप नमक भी एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने नमक भी और पानी सब एडजस्ट कर लिया है इसको। और इसमें फ्रेंड्स 1 नींबू का जूस ज़रूर डालेंगे हम, ताकि चावल अच्छा बने, टेस्टी बिरयानी बने। यहाँ पर 1 लेमन जूस हमने यहाँ पर डाल दिया है। और अब ढककर इसे हम पानी के सूखने तक पकाएंगे, और फिर 10 मिनट हम दम पर रखेंगे जब पानी सूख जाएगा, और यहाँ गर्मा गर्म बिरयानी बनकर तैयार हो जाएगी अचारी बिरयानी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी दावत बिल्कुल तैयार है, दावत का मेन्यू बिल्कुल तैयार है, और बहुत ही लजीज। ये देखिए अंगूरी रसमलाई मैंने यहाँ सर्व की है, और ये है मटन रोगन जोश। बहुत ही न्यू और मज़ेदार रेसिपीज़ लगी ये सबको, बहुत मज़ा आया
ये चिकन लबाबदार और चिकन कुरमुरे बहुत ही टेस्टी लगे, बहुत क्रिस्पी बने थे फ्रेंड्स ये। और ये हमारी अचारी बिरयानी, मुल्तानी चिकन अचारी बिरयानी, सिंपल और इजी और टेस्टी। ये सिंपल बूंदी का रायता है और ये कबाब, तवा कबाब बनकर तैयार हैं। और ये ज़बरदस्त रेसिपीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावत में आपके चार चंद लग जाएंगे। न्यू रेसिपीज़ हैं, टेस्टी रेसिपीज़ हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और ये दावत ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।